डर्टी पिक्चर देखी है? अरे वो ब्लू कलर वाली नहीं यार, विद्या बालन वाली। विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर में एक डायलॉग में कहा था कि फिल्म सिर्फ तीन चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। पर विद्या बालन को अब पता चल रहा है कि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट से नहीं बल्कि लंच और डिनर डिप्लोमेसी से भी चलती हैं। जी हाँ, मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ मध्य प्रदेश में जो हुआ है उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये डिनर की कहानी। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन इन दिनों मध्य प्रदेश में अपनी नई फिल्म शेरनी की शूटिंग कर रही हैं। वह यहाँ के जंगलों में पिछले कुछ हफ्तों से फिल्म के लिए लगातार सीन्स शूट कर रही थी, लेकिन अचानक से उनकी शूटिंग को रोक दिया गया है। शूटिंग रोकने की वजह है मिस्टर शाह। अरे अरे अपने मोटा भाई नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो, बार बार उन्हें ही सोचते रहते हो क्या? मध्य प्रदेश के वन मंत्री मिस्टर विजय शाह, कम से कम यही बताया जा रहा है हमें, क्योंकि रूमर है कि फॉरेस्ट मिनिस्टर विजय शाह ने विद्या बालन को अपने साथ डिनर करने का इनविटेशन भिजवाया था जिसे विद्या बालन ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अब भले ही विद्या बालन को लगा हो कि वो शेरनी है, पर जंगल का बब्बर शेर तो मंत्री साहब ही है। विद्या बालन के डिनर का इनवाइट एक्सेप्ट ना करने के बाद फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की प्रोडक्शन टीम की गाड़ी को कथित तौर पर शूटिंग के लिए जंगल जाने से रोका गया। बालाघाट के जिला वन अधिकारी ने प्रोडक्शन टीम की गाड़ियों को जंगल में जाने से मना कर दिया और कहा कि सिर्फ दो ही गाड़ियों को जाने की अनुमति है। हालांकि राज्य के वन मंत्री विजय शाह ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उन्होंने खुद ही उनके डिनर और लंच के निमंत्रण को अस्वीकार किया है। विजय शाह ने कहा, जिन लोगों ने शूटिंग के लिए परमिशन मांगी मैं उन लोगों के लिए बालाघाट पर मौजूद था और उन्होंने खुद मुझसे लंच और डिनर के लिए अपील करी, मैंने उन्हें कहा अभी संभव नहीं है। विजय शाह ने कहा, मैं उनसे तब मिलूंगा जब मैं महाराष्ट्र जाऊंगा। लंच और डिनर को मना कर दिया गया था लेकिन शूटिंग को नहीं। इससे पहले फिल्म की शूटिंग उस वक्त रुकी थी जब एक्टर विजय राज पर शूटिंग के दौरान सेट पर एक महिला का शोषण करने का आरोप लगा था। महिला ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी। अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था पर अब वो जमानत पर बाहर हैं। विजय जब से मुंबई में है तब से शूट पर नहीं गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि शूटिंग फाइनली कब तक पूरी होगी इस फिल्म शेरनी की। कुछ और अपडेट मिलता है तो मैं फिर आ जाऊंगा झटपट। आप देखते रहो अनकट। एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।